हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि जो हमारे कॉटन के न्यू कपड़े होते हैं उनके कलर को कैसे लोग करते हैं। जैसे ये प्रोसेस आपको कपड़ा सिलने से पहले अपनाना है, क्योंकि जब हम कॉटन का न्यू कपड़ा होता है उसको धुलते हैं तो वो थोड़ा सिकुड़ता भी है। और जो ये प्रोसेस है ये आपको न्यू कपड़े पर ही करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़े का कलर होता है वो पानी में निकल जाता है। इसके लिए हमें इस तरह का एक चौड़ा बर्तन लेना है, और इसमें ये जो मैंने वाटर लिया है ये बिल्कुल गुनगुना है, ज़्यादा गर्म नहीं है। हमें खोलते हुए पानी का यूज़ नहीं करना है। इसमें जो ये हमारे खाने वाला सिंपल नमक होता है हमें वो ही यूज करना है। ये हम इस तरह से पानी में डाल देंगे और इस तरह से कपड़े को पूरे को खोल लेंगे। और पानी में नमक को घोल लेंगे। नमक को घोलने के बाद इस तरह कपड़े को इसमें डीप करेंगे। इसको अच्छी तरह से पानी में डालेंगे। इस तरह से इसको 15 मिनट पानी में ही रहने देंगे। ये आप किसी भी तरह के कॉटन के कपड़े पे कर सकते हो, पर सभी कपड़ों को अलग-अलग पानी में भिगो के करना है, क्योंकि अगर एक में ही मिक्स कर दोगे एक साथ सभी अलग-अलग कलर के कपड़ों को तो भी एक दूसरे पर कलर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको इस तरह से ही 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और जो ये एक्स्ट्रा कलर है देखिए, इस वाटर में ये निकल आया है। इस तरह से इसको निचोड़ेंगे। ये देखिए, जो ये इस कपड़े का जो एक्स्ट्रा कलर था वो इस गर्म पानी में निकल गया है। अब हम इसको इसमें कर देंगे। अब जो आगे करना है वो, ये मैंने ठंडा पानी लिया है, ये काफी ठंडा है, चाहे तो आप फ्रिज में रखा हुआ पानी भी यूज कर सकते हो, वो इसमें डालेंगे। और फिर इस कपड़े को ये सिंपल पानी है, इसमें नमक नहीं डाला हमने। इस तरह से पानी ये इतना होना चाहिए कि हमारा पूरा कपड़ा उसमें डीप हो जाए। इसको इस तरह से दस मिनट के लिए हम इस तरह से ही इसको इस ठंडे पानी में डालेंगे। जब हम कॉटन के कपड़े की धुलाई करते हैं तो हमें जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको लिक्विड में ही धोना चाहिए, साबुन या सर्फ से नहीं धोना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, इस कपड़े जितने भी कॉटन के कपड़े होते हैं हमें उनको छांव में सुखाना चाहिए, धूप में कभी नहीं डालना चाहिए। धूप से भी काफी कलर फैट हो जाते हैं। अब हम 10 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह से निचोड़ेंगे कपड़े को, और इसको छांव में डाल देंगे। और सूखने के बाद प्रेस करके आप इसकी कुर्ती सलवार जो भी बनाना हो बना सकते हो, जिस तरह का भी आप कपड़ा डालोगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।